इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आखिरकार दिल्ली के अशोका होटल में संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि सीट शेयरिंग का मामला 31 दिसंबर तक निपटा लिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग पर बाद में फैसला होगा। जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा। अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया। ये जानकारी बैठक के बाद एमडीएमके के सांसद वाइको ने दी। हालांकि पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। अलबत्ता खड़गे ने विवाद को ये कहते हुए दूर रखा कि इसका फैसला जीत के बाद होगा। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना एक दो तीन इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया है कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। बैठक में इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके बारे में कहा ये जा रहा है कि उसका ऐलान जल्द किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के नामों पर विचार किया जा सकता है। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन के घटक दल सीट शेयरिंग का उलझा पेच सुलझा पाते हैं? क्या घटक दल मिलकर 200 से ज्यादा ऐसी सीटें खोज पाते हैं जहां विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार चुनाव लड़े? क्या पंजाब और दिल्ली में मामला आसानी से सुलझ पाएगा जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है? और क्या कोऑर्डिनेटर के मुद्दे पर सहमति बन पाती है? फिलहाल इतना जरूर हुआ है कि इंडिया गठबंधन दोबारा मैदान में आ गया है और अब राजनीतिक बिसात पर उसकी चालों का सभी को इंतजार है। चुनाव आज तक।